Okay, so shall we start? So in today's class, we will be discussing about the cement, right? Yesterday's class, we have discussed about the lime. Today we'll discuss about cement. Cement is, you know, very, very important construction material, right? So I'll just present my screen. So my screen is visible to you. Okay, can you see this slide here, cement? Great. So, okay. So what is cement? Cement, you might have seen cement, you know, it is a very common construction material and it is used very, very extensively. It is used in construction also, right? So something about cement we'll discuss here. What is cement? Cement may be prescribed as a material. It is a material with adhesive and cohesive properties, right? So it has both the adhesive and cohesive properties. Adhesive or cohesive, आपको पता होगा. Adhesive मतलब क्या रहता है? मतलब भाई जो चिपकाता है वो चीज को, ठीक है? गोंद की तरह adhesive. And cohesive property as in clay जो उसमें रहता है, ठीक है? तो वैसे जैसे soil में cohesion रहता है उस तरीके से. तो cement की क्या property है? It is both adhesive and cohesive properties होती है इसमें, which makes it capable of bonding materials, fragments. ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको मटेरियल को बॉन्ड करता है इनटू अ कॉम्पैक्ट होल. ठीक है, तो ये सीमेंट होता है. ठीक है, तो इट बेसिकली इट इज अ मटेरियल विद एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी एंड कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग मटेरियल फ्रैगमेंट्स. अलग अलग मटेरियल की जो फ्रैगमेंट्स है उनको बॉन्ड करके रखता है. ठीक है, तो दैट इज योर सीमेंट. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट? इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू मेसनरी, ऑफकोर्स इससे स्ट्रेंथ आती है. इट इज स्टिफन्स और हार्डन्स इजिली, ये भी प्रॉपर्टी है इसकी. इट पजेस गुड प्लास्टिसिटी, राइट? इट इज एन एक्सीलेंट बिल्डिंग मटेरियल. मैंने जैसे बताया बहुत ज्यादा यूज में आता है सीमेंट. ठीक है, इट इज इजीली वर्केबल, वर्केबल भी है काफी, है ना, इजी टू हैंडल है. एंड इट इज गुड मॉइस्चर रेजिस्टेंट ऑल्सो. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट. सो इट इज बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ओनली सीमेंट को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन मटीरियल. ठीक है, so what are the constituents of cement? क्या क्या चीजें होती हैं सीमेंट में? सी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप सीमेंट और कॉन्क्रीट में कंफ्यूज मत होना. ठीक है, सीमेंट पाउडर्ड फॉर्म में जो रहता है, जो सीमेंट के बैग्स आते हैं, वो सीमेंट है, राइट? कॉन्क्रीट इज अ मिक्सचर. ठीक है, कॉन्क्रीट हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं कॉन्क्रीट के बारे में. तो कॉन्क्रीट एक मिक्सचर है, वो अलग चीज है. मिक्सचर है सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट एंड वाटर का मिक्सचर होता है वो. दैट इज वो डिफरेंट चीज होती है. बट अभी जो हम डिस्कस करें दैट इज ओनली अबाउट द सीमेंट, राइट? सो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्या क्या केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें? देखिए, पहला होता है लाइम. ये अराउंड 60 to 67%, मतलब इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट. ठीक है, सीमेंट में सबसे ज्यादा लाइम रहता है. तो लाइम में CaO जो हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा भी था, क्विक लाइम जिसे हम बोल रहे थे. ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा कंटेंट इसका रहता है. देन नेक्स्ट इज सिलिका, विच इज इट्स केमिकल फॉर्मूला इज SiO2. ये 17 to 25% के अराउंड रहता है. एल्यूमिना Al2O3, that is 3 to 8%. ठीक है, आयरन ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, थोड़ा कम होता है, ये 1 to 6% रहता है. मैग्नीशियम ऑक्साइड इज 0.1 to 4%. एल्कलाइन इज 0.4 to 1.3. एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड इज 1.3 to 3.0. ठीक है, सो द इंपॉर्टेंट थिंग हेयर टू नोट इज दैट कि ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इन सबका अपना अपना फंक्शन है. ठीक है, किसी की वजह से अर्ली स्ट्रेंथ आती है, किसी की वजह से अर्ली हार्डनिंग हो जाती है, कोई किसी चीज की वजह से, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन का फर्क पड़ता है. तो ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जितने भी हैं सीमेंट के, इनका कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी रहती है. ठीक है, इसलिए ये जो वेरी हो रहा है ना, ये इसी चक्कर से वेरी हो रहा है. तो कई बार आपको किसी चीज की क्वांटिटी कम करनी पड़ती है कंपोजिशन में, और किसी चीज की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है. तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सीमेंट यू वॉन्ट, मतलब कि किस टाइप का वर्क आपको होना है और उसके किस टाइप का सीमेंट आपको चाहिएगा. ठीक है, उसके कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे, उसका परसेंट कितना होगा. ठीक है, तो किसी चीज किसी हो सकता है किसी सीमेंट में कोई चीज मिसिंग हो या कोई चीज हो उसमें. ठीक है, तो ये बेसिकली प्राइम जो है इंग्रेडिएंट्स है सीमेंट के, ये सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं. इनका कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट.
ठीक है, अब सबसे ज्यादा कॉमनली इस टर्म आप जो सुनोगे वो पोर्टलैंड सीमेंट होगा। अब ये पोर्टलैंड सीमेंट क्यों बोलते हैं इसको, पोर्टलैंड या सीमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये हार्ड हो जाता है सीमेंट ना, जब ये हार्ड होता है तो ये एक एक पोर्टलैंड स्टोन होता है, उसकी तरह दिखता है ये हार्ड होने के बाद सीमेंट। ठीक है, तो इसका नाम तब से पोर्टलैंड सीमेंट पड़ गया। तो पोर्टलैंड एक स्टोन है, एक टाइप ऑफ स्टोन है जो पोर्टलैंड में मे बी वहां पर पाया जाता है, तो उसका कलर और सीमेंट का कलर सेम होता है ऑलमोस्ट, तो उसी के नाम पे नाम पड़ गया इसका पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट में क्या है, देखिए अब ये मैंने जैसे बताया था कंपोजिशन का फर्क रहेगा, जो चीजें ऊपर हैं वही चीजें यहाँ पर भी मेंशनड है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स अगर आपका ऑर्डिनरी सीमेंट है, ठीक है अगर आपका ऑर्डिनरी सीमेंट है तो देखिए इसमें C2S, C3S एंड C3A एलुमिना और ये सब कुछ जो ऐड किया हुआ है इसमें, ये कितना है 25, 45, 12, 8। और अगर आपको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट चाहिए तो ये कंपोजिशन चेंज हो जाता है, देखिए 26, 45, 5 एंड 15। तो और लो हीट सीमेंट आपको चाहिए तो ये कंपोजिशन और अलग हो जाता है 31, 21। ठीक है, तो मैंने जैसे अभी इस वाले में बताया था आपको कि अकॉर्डिंग टू योर दिस रिक्वायरमेंट, कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट, आपको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट चाहिए, ऑर्डिनरी सीमेंट चाहिए, लो हीट सीमेंट चाहिए, तो ये कंपोजिशन चेंज हो सकती है एक बार। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। नेक्स्ट इज हाउ द सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है इसकी। ठीक है, सीमेंट को दो तरीके से प्रोसेस किया जाता है, दो तरीके से इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, एक एक बोलते हैं हम लोग वेट प्रोसेस और दूसरी हम लोग बोलते हैं ड्राई प्रोसेस। तो नाम से पता चल रहा है वेट प्रोसेस में क्या होगा, वेट प्रोसेस में बेसिकली हम लोग वाटर का यूज करेंगे। ठीक है, ड्राई प्रोसेस में वाटर का यूज नहीं होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन वेदर द मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज डन इन वेट और ड्राई कंडीशन, अगर वो वेट कंडीशन में किया जा रहा है या ड्राई कंडीशन में किया जा रहा है उसके हिसाब से प्रोसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के थ्रू ये एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो दिस ऑन योर लेफ्ट इज योर वेट प्रोसेस एंड दिस वन इज योर ड्राई प्रोसेस। सो व्हाट हैपेंस इन अ वेट प्रोसेस, आपको क्ले रहेगा। ठीक है, क्ले में आप वाटर ऐड करते हो, उसको वॉश मिल में, फिर उसके वॉश मिल के थ्रू जाता है, फिर स्टोरेज बेसिन पे जाता है। ठीक है, वहां पर उसको क्या होता है, वेट ग्राइंडिंग मिल्स टू टेक अ मिक्स स्लरी, उसकी स्लरी बनाई जाती है। ठीक है, उसको मतलब मिक्स करके उस पर उसकी स्लरी फॉर्म में, उसको स्लरी फॉर्म में बनाया जाता है। और उसी तरीके से अगर आप ड्राई प्रोसेस देखोगे उसमें क्या हो रहा है, लाइम स्टोन को लिया है उसको क्रश कर रहे हैं, इसमें वाटर का यूज नहीं हो रहा है, देखो इसलिए इसको ड्राई प्रोसेस बोलते हैं। लाइम स्टोन लिया आपने, आपने उसको क्रश किया, उसको स्टोरेज बेसिन में डाला और वापस से उसको ग्राइंडिंग मिल में डाला उसकी स्लरी बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर तक फिर इसके बाद प्रोसेस कॉमन हो जाती है। सो द इनिशियल प्रोसेस इन वेट एंड ड्राई मिक्सिंग इज अ बिट डिफरेंट, देन आफ्टरवर्ड्स इट इज कॉमन फॉर बोथ द प्रोसेस। फिर क्या होगा, जैसे ही आपकी स्लरी बनेगी फिर उसको आपको ब्लेंड करना है अच्छे से, ब्लेंड ऑफ स्लरी टू कन्वर्ट टू करेक्ट कंपोजिशन। ठीक है, ब्लेंडिंग कैसे करनी, ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑल द मटेरियल्स, जैसे मैंने ऊपर बताया था इंग्रेडिएंट्स जो है उनको यहाँ पर ब्लेंड किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा प्रॉपर प्रोपोर्शन में, प्रॉपर कंपोजिशन में उसको मिक्स किया जाएगा। फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, स्टोरेज करते हैं ऑफ करेक्टेड स्लरी, स्टोरेज के बाद वो जाता है क्लिन में जाता है, तो क्लिन में बेसिकली क्या होगा, वो भट्टे में जाएगा, दैट मीन्स उसको वहां पर आपको हीट करना है, तो आपको यहाँ से इनपुट देना पड़ेगा किस चीज़ का, आइदर कोल, ऑयल और गैस, जिस भी टाइप का क्लिन है। ठीक है, ये फ्यूल है बेसिकली, कोल, ऑयल या गैस, कोई किसी भी तरीके का फ्यूल हो सकता है। तो वो क्या होता है, करेक्टेड स्लरी जो होता है इट इज फेड इन टू क्लिन। ठीक है, क्लिन में डाला जाता है, क्लिन में उस पर हीट हीट उस पर हीट हीटिंग होती है बेसिकली उसकी। ठीक है, तो स्लरी कन्वर्टेड इनटू क्लिंकर, तो उस हीट की वजह से वाटर सारा चले जाता है और जो स्लरी होती है वो क्या हो जाता है, क्लिंकर्स के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, क्लिंकर्स के फॉर्म में आ जाता है, फिर क्लिंकर को क्या किया जाता है, उसमें 2 to 3% जिप्सम ऐड किया जाता है। ठीक है, 2 to 3% जिप्सम ऐड करते हैं, तो क्लिंकर इज ग्राउंडेड इन बॉल मिल, तो इसको फिर बॉल मिल में डाला जाता है, इसको ग्राउंड किया जाता है, मतलब क्लिंकर जो है बेसिकली ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और फिर उसको ग्राउंड मतलब उसको क्रश कर देते हैं, है ना, तो उसको पाउडर्ड फॉर्म में कर देते हैं, तो क्लिंकर को पाउडर फॉर्म में कर देते हैं, इट इज ग्राउंडेड, और फिर उसको सीमेंट साइलोज में डाला जाता है। साइलोज क्या होते हैं, बड़े ऐसे कंटेनर होते हैं जिसमें प्रोसेस सीमेंट जो होता है सारा डाला जाता है, और फिर उसके नीचे से एग्जिट पॉइंट्स होते हैं जिसमें कि आप लोग पैकेजिंग कर सकते हो। ठीक है, सीमेंट के कट्टे भरे जाते हैं, वहां से निकाला जाता है। ठीक है, तो आई विल ऑल्सो प्रोवाइड दिस इमेज ऑल्सो ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आपने सीमेंट साइलोज बहुत जगह पे देखे होंगे, ये सीमेंट के प्लांट भी आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरीके से ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो क्या क्या स्टेप्स देखे थे आपने, इसका और समराइज किया हुआ है। स्टेप्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या क्या था, बोथ द प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, क्या क्या थे, कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल विल बी योर लाइम स्टोन एंड ऑल। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स जो जो हैं वो सब है, फिर उसको क्रश करना है
क्रशिंग, ग्राइंड करना है एंड मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, इन सबको मिक्स कर देना है। फिर उसको बर्न करना है क्लेन में, और फिर उसको ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर, जो क्लिंकर बने उनको ग्राउंड करना है। फिर उसके बाद उसको बैग्स में, साइलोज में डाल के बैग्स में स्टोर कर देना। सो दीज आर द बेसिकली ब्रॉडली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो इसमें एक्सप्लेन की गई है। अब देखिए, सीमेंट्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन यूज। जैसे मैंने पहले बताया कि हर एक सीमेंट अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट किस किस टाइप के हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, जो ओपीसी बोलते हैं इसको, ठीक है, दिस इज कॉमनली नोन एज ओपीसी। तो आप जो कॉमनली सीमेंट यूज करते हो वो यही वाला सीमेंट होता है जो मार्केट में मिलता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी इसको बोला जाता है। फिर एक सीमेंट आता है आपका रैपिडली हार्डनिंग, जैसे मैं बता रहा हूँ रैपिड हार्डनिंग का क्या होता है, ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, ठीक है। सो ये बेसिकली मतलब इस ऐसी जगहों पे जरूरत पड़ती है इसकी, जहाँ पर मान लीजिए कहीं पर बरसात बहुत ज्यादा हो रही है या कुछ हो रहा है, जहाँ पर आपको बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन करना है ताकि वो रैपिडली हार्ड हो जाए, तो वो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट होता है। फिर एक होता है सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट वहाँ पर यूज होता है जहाँ पे सल्फेट अटैक होने का बहुत ज्यादा, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहाँ पर सल्फेट हो, या फिर बेसिकली जो एसिडिक रेन्स होती हैं उनसे अगर बचाना हो आपको आपके स्ट्रक्चर्स को, तो आपको सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट यूज करना पड़ेगा, या फिर पॉल्यूशन जहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मॉडिफाइड पोर्टलैंड सीमेंट, इसमें भी कुछ तरीके की प्रॉपर्टीज रहती है। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, ये लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट है। फिर नेक्स्ट आपका वाटर रिपेलेंट पोर्टलैंड, तो ये अपने नाम से ही पता चल रहा है कि इनके क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंगली इनका ग्रेडियंट्स चेंज होते रहते हैं, मतलब कंपोजिशन चेंज होता रहता है, किसी चीज की परसेंट बढ़ेगी किसी की कम होगी, सो वो दैट ऑल्सो विल सी इन डिटेल। सो लास्ट इज योर वाटर प्रूफिंग पोर्टलैंड सीमेंट, तो वाटर प्रूफिंग पोर्टलैंड सीमेंट भी रहता है। एक्सक्यूज मी, हाँ। सो अदर वेराइटीज ऑफ सीमेंट, और कौन से सीमेंट आते हैं? ये तो सारे आपके पोर्टलैंड सीमेंट इतने टाइप के जो अवेलेबल हैं, और जो वेरियस अदर टाइप ऑफ सीमेंट्स हैं, एक है हाई एल्यूमिना सीमेंट, ठीक है, इसमें एल्यूमिना की क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। उसका क्या फंक्शन होता है हम लोग इसको आगे देखेंगे। ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग सीमेंट, कलर्ड सीमेंट्स, ये अलग अलग कलर्स में आते हैं। एक्सपैंडिंग सीमेंट्स, अगेन पोर्टलैंड पोजोलाना, ये फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जैसे हमने वो पहले देखा था ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सो दिस वन इज कॉल्ड पी पी सी, ठीक है। तो ये कॉमनली मार्केट में ये दो तरीके के सीमेंट आते हैं आपके, ओपीसी एंड पीपीसी, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या फिर पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। और मैंने पहले भी बताया था आपको, जहां पर भी पोजोलाना आएगा तो समझ लेना उसका किससे रिलेशन है, उसका वॉल्केनिक ऐश से रिलेशन है, ठीक है, वॉल्केनो से उसका रिलेशन है। तो इसमें वॉल्केनिक ऐश वगैरह डाली जाती है, पोजोलाना बोलते हैं जिसे, इसलिए इसका नाम पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट पड़ गया। तो उस ऐश को डालने की वजह से काफी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं पीपीसी, पहले वाले को हमने बोला था ओपीसी, ठीक है। तो ये मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। अगेन मेसनरी सीमेंट्स, क्विक सेटिंग सीमेंट्स, व्हाइट सीमेंट, एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट, ठीक है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट्स, ये हाइड्रोफोबिक सीमेंट्स बेसिकली जहाँ पे जो मतलब जहाँ पे आपको वाटर को रिपेल करना होगा उस जगह पे हाइड्रोफोबिक सीमेंट्स यूज करेंगे, एंड सुपर सल्फेटेड सीमेंट्स, ठीक है। इस तरीके के सीमेंट्स, अलग अलग टाइप के सीमेंट्स आपको डिपेंडिंग अपॉन योर नीड आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द ग्रेड ऑफ सीमेंट, ठीक है। अब क्या 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 ग्रेड होते हैं? देखिए, तीन ग्रेड होते हैं। ये आईएस कोड्स गिवन है इसके, इस पे मेंशन है आईएस कोड, मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स में इसकी प्रोसीजर वगैरह गिवन होगी सब कुछ, ठीक है। तो तीन ग्रेड होते हैं, आप हमेशा के लिए याद रखिए, 33, 43 एंड 53, ठीक है। कोई भी आपसे ग्रेड ऑफ सीमेंट पूछेगा तो ये रहेंगे, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, इट इज ग्रेड ऑफ सीमेंट, राइट। कॉन्क्रीट के अलग होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा जब हम कॉन्क्रीट पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट सीमेंट, सीमेंट की कौन सी ग्रेड है? 33, 43 एंड 53, ठीक है। अब ये नाम इसके कैसे पढ़े, तो सिंपल, इस टेबल में आप देखिए, ये 33, 43, 53 ग्रेड का सीमेंट है। इसको 3 डेज में, मतलब इसकी स्ट्रेंथ देखी गई, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मैंने आपको वो दिखाया था, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन दिखाई थी, आपको याद होगा लास्ट की कुछ क्लासेस में, है ना। उसमें क्या था कि हम लोग टेस्ट कर रहे थे उसका, तो 3 डेज के टेस्ट में जो है, 3 डेज मतलब कि जो 3 डेज के बाद जो उसकी स्ट्रेंथ आई है वो इतनी आई है, 16 इसकी, 23 इसकी, 17 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अगेन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज बेसिकली योर स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया है इसका बेसिकली। और 7 डे में देखिए इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई, बढ़ गई है, 22, 33, 37।
और फाइनली जो 28 डेज में हम लोग देखते हैं दैट इज 33, 43 एंड 53, इसलिए इनका ग्रेड का नाम पड़ गया 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। तो आपको इन तीनों ग्रेड में मार्केट में सीमेंट मिलेंगे, ठीक है। वो आपसे पूछेगा आपको किस ग्रेड का सीमेंट चाहिए, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ यूज ऑफ सीमेंट को लोगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा ग्रेड होगा उसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो 28 दिन में ये 33 न्यूटन पर mm² दे रहा है, ये 43 न्यूटन पर mm² की स्ट्रेंथ दे रहा है, और ये 53। तो आपका आप देखो किस तरीके का आपको यूज है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से आप लोग डिसाइड करोगे कि आपको कौन से ग्रेड का सीमेंट चाहिए। सो नेवर फॉरगेट दिस, देर ओनली 3 ग्रेड्स, 33, 43 एंड 53। और कोई पूछ ले आपसे कि 33, 43, 53 क्या है, तो उनको बोलना सर इट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ सीमेंट आफ्टर 28 डेज ऑफ क्योरिंग, ठीक है। 28 डेज के बाद की स्ट्रेंथ बताई गई है, ठीक है। 28 डेज ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम जो होता है 99% हमारी स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है 28 डेज तक का सीमेंट, ठीक है। तो इसलिए 28 डेज में हम लोग इसको टेस्टिंग करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रेड। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। टेस्टिंग देखिए मैं इसको हमेशा से अलग से भी कवर करता हूँ, ठीक है। तो टेस्टिंग के बारे में मैं अभी बता देता हूँ कौन कौन से टेस्ट इसमें किए जाते हैं और परफॉर्म कैसे किए जाते हैं, वो अगेन मैं आपको दूसरे लेक्चर्स में बताऊंगा, जिसमें कि वीडियो और प्रोसेस के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग जो नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली देख लीजिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। सो हाउ कैन वी टेस्ट पोर्टलैंड सीमेंट। अब देखो टेस्ट का सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होता है, व्हाई डू वी नीड टू टेस्ट एनी मटीरियल। टेस्ट इसलिए करना है क्यों, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज पता चल सके, है ना, कि जो हमारी रिक्वायरमेंट क्या वो पूरी कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ कॉमन टेस्ट जो है यहाँ पे नॉर्मल सेटिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, द फॉलोइंग टेस्ट आर कैरीड आउट। फर्स्ट इज केमिकल कंपोजिशन, ये एक टेस्ट है, क्या क्या केमिकल कंपोजिशन है। सेटिंग टाइम, कितनी देर में सेट हो रहा है, उसका टेस्ट होता है। फाइनेस टेस्ट, ठीक है, कितने फाइन पार्टिकल्स हैं उसका रिलेशन होता है। साउंडनेस टेस्ट, कितना साउंड है सीमेंट, ये चेक किया जाता है। कंसिस्टेंसी, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, टेंसाइल मतलब कि टेंशन में कितना वो झेल सकता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब कि कंप्रेशन कितना झेल सकता है, ठीक है, अगर उसको कंप्रेस किया जाए, दबाया जाए तो कितना स्ट्रेंथ उसकी आएगी। तो ये सारे टेस्ट हैं जो जनरली हम लोग सीमेंट में करते हैं। तो ये सारे के सारे टेस्ट जो होते हैं आपके बेसिकली लैब्स में परफॉर्म किए जाते हैं, और ये सारी हमारी लैब्स में अवेलेबल भी है आपको ये टेस्ट, ठीक है। तो मैं अभी आपको ब्रीफली इसको बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको वीडियोज के थ्रू और क्लियर करूंगा ये सारे टेस्ट की प्रोसीजर कैसी होती है, ठीक है। फिलहाल ये टेस्ट किस चीज के लिए होते हैं ये सब आप देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नाम से पता चला कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है, मतलब आपको कंक्रीट सॉरी सीमेंट के छोटे छोटे क्यूब्स बनाने पड़ते हैं, उनकी कंक्रीट की उनकी सीमेंट की स्ट्रेंथ आप निकालते हो, ठीक है। सो दिस टेस्ट इज कैरियड आउट टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ सीमेंट फॉर डेवलपिंग रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और डेवलपिंग रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड मोर्टार, ठीक है। तो ये किस लिए है, सुटेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, तो सुटेबिलिटी चेक करने के लिए है सीमेंट की बेसिकली। ये M20 लिखा हुआ है, ये बेसिकली जो है ये सीमेंट का कंपोजिशन दिया हुआ है। M इज फॉर मिक्स एंड 20, सॉरी दिस इज योर कंक्रीट का कंपोजिशन, M इज फॉर मिक्स एंड 20, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या किया जाता है, 1:3 सीमेंट सैंड मोर्टार, ठीक है। 1 क्या है सीमेंट है, और 3 पोर्शन क्या है सैंड है। तो इसका मोर्टार प्रिपेयर किया जाता है विद 8% वाटर कंटेंट, उसमें 8% जितना भी उसका रहता है उसका 8% वाटर कंटेंट डाला जाता है ऑफ वेट। वाटर कंटेंट जितना इसका टोटल वेट है उसका 8% वाटर कंटेंट डाला जाता है, एंड इज मिक्स एंड मोल्डेड इन टू ब्रिकेट ऑफ शेप। ब्रिकेट क्या है, ब्रिकेट ऑफ शेप मतलब कि एक पर्टिकुलरली एक सिलेंड्रिकल टाइप का एक शेप होता है, ठीक है। इसका टेस्ट भी होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है उसमें ब्रिकेट्स बनाए जाते हैं इसके मोर्टार के, ठीक है। वो सिलेंड्रिकल शेप के कुछ रहते हैं, ऐसे कुछ कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, ठीक है। ब्रिकेट ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में रहते हैं, तो ये 3 या 4 इसको बनाया जाता है इसको, है ना। फिर इस पर टेस्टिंग की जाती है, टेंसाइल मतलब कि इसको पुल करके देखा जाएगा ऊपर से भी और नीचे से भी, ऐसे पुल करके देखेंगे और देखेंगे कि कितनी स्ट्रेंथ है, कितने में क्रैक आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ रहता है, तो ब्रिकेट बेसिकली शेप है उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हम लोग करते हैं। सो दे मोल्डेड इन अ स्टैंडर्ड मैनर एंड इट इज क्योर्ड फॉर 24 आवर्स। क्योर्ड मतलब क्या होता है, क्योर्ड मतलब कि वाटर में रखा जाता है, इसको पानी में सबमर्ज करके रखा जाता है फॉर 24 आवर्स, और टेस्ट टेम्परेचर होता है 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस फॉर 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमोसफियर, ठीक है। एंड एवरेज स्ट्रेंथ फॉर 6 ब्रिकेट्स, देखिए 6 ब्रिकेट्स को आपको टेस्ट करना है। वैसे आप 6 ब्रिकेट्स बनाएंगे, उनको आप टेस्ट करेंगे आफ्टर 20 आफ्टर 3 एंड 7 डेज, उनकी स्ट्रेंथ निकालेंगे, एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 2
न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड 2.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो कंक्रीट सीमेंट में इन्होंने बोला है कि 3 डेज की स्ट्रेंथ जो है वो 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं आनी चाहिए किसी हालत में, और 7 डेज की स्ट्रेंथ 2.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से। देखिए ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो आपने यहाँ पर देख ली थी, देखिए कितनी रहती है, 33, 43, 53, ठीक है। बट टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है सीमेंट की, टेंशन कम ले पाता है, कंप्रेशन तो ज्यादा ले लेता है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए ये कितना बोल रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ सिर्फ 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड 2.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। अभी इसको फिर से हम लोग प्रोसीजर वाइज देखेंगे पूरा वीडियो के थ्रू। नेक्स्ट इज योर फाइननेस टेस्ट। फाइननेस का क्या मतलब होता है कि प्रॉपर ग्राइंडिंग हुई है कि नहीं हुई है ये चेक करना होता है, टू चेक द प्रॉपर ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मतलब कि उसको जो क्लिंकर्स हैं उसको ग्राउंडेड क्या हुआ है, बेसिकली उसको पूरा अच्छे से ग्राइंड किया गया है कि नहीं किया गया, ठीक है। ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज फाइनल। सीमेंट हैव क्विक एक्शन विद वाटर एंड ग्रेन एंड गेन अर्ली स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अगर अगर फाइन सीमेंट होता है तो क्या होता है, उसमें आपका वाटर के साथ क्विक एक्शन होता है। देखिए इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि जितना पतला, जितना छोटा, जितना फाइनर सीमेंट होगा आपका, उसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगी, ठीक है, और वो वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा और उसी की वजह से उसकी जल्दी स्ट्रेंथ भी आ जाती है, ठीक है। तो फाइननेस टेस्ट इसलिए किया जाता है कि कितना फाइन है सीमेंट। सो फाइनल सीमेंट ऑफर्स अ ग्रेट सर्फेस एरिया, देखो लिखा भी है, इट ऑफर्स अ ग्रेट सर्फेस एरिया फॉर हाइड्रेशन एंड हेंस फास्टर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ बहुत जल्दी गेन कर लेता है। इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी टेस्ट बाय सीविंग, और फिर इसका स्पेसिफिक रिएबिलिटी टेस्ट होता है, उससे भी आप इसको टेस्ट कर सकते हो। दो तरीके हैं, ये मैं फिर आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इज योर साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट किस लिए करते हैं, दिस टेस्ट इज प्रिफर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनकम्बाइंड लाइम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। इसकी प्रेजेंस लाइम और मैग्नीशियम कितना प्रेजेंट है, उसके लिए साउंडनेस टेस्ट किया जाता है इन द सीमेंट। इस टेस्ट को करते हैं हम लोग ली चेटेलियर्स एपरेटस। इस एपरेटस का नाम आप देख लीजिए, ली चेटेलियर्स एपरेटस, ठीक है। ये एपरेटस बहुत कॉमन एपरेटस है, हमारी लैब में भी ये अवेलेबल है। इससे आप लोग साउंडनेस देखते हैं। इसमें क्या होता है कि 30 mm का डाया रहता है, 30 mm इसकी हाइट रहती है, ठीक है, और इसमें स्प्लिट टाइप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, स्प्लिट टाइप में होता है। इसके बीच में सीमेंट को भरा जाता है, मतलब उसका स्लरी बना के उसको भरा जाता है, और उसको उसमें 2 इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, दो आर्म्स होते हैं 165 mm लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स। तो इसको फिर हम लोग वाटर में डिप करके देखते हैं। तो ये टेस्ट भी मैं आपको करके परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि कैसे साउंडनेस टेस्ट किया जाता है, ठीक है। उससे साउंडनेस निकलती है, तो बेसिकली पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस में वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है उसको, ठीक है। तो उस तरीके से होता है ये साउंडनेस टेस्ट, ये भी मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा। सेटिंग टाइम टेस्ट, ये तो नाम से पता चला, सेटिंग टाइम मतलब कि कॉन्क्रीट जो सीमेंट है वो कितने जल्दी सेट हो रहा है, ठीक है, कितने टाइम में सेट हो रहा है। तो ये किस लिए होता है, दो चीज चेक करने के लिए होता है, एक होता है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम दो चीजें निकाली जाती है, ठीक है, इसमें। तो क्या इनिशियल सेटिंग टाइम है और क्या फाइनल सेटिंग टाइम है, ये इस टेस्ट से, फाइनल सेटिंग टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं इसको, 500 ग्राम सीमेंट लेते हैं सैंपल, और इसको 0.85 times वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो इतने इस कंसिस्टेंसी का आपको सीमेंट पेस्ट बनाना होता है, ठीक है। 0.85 times ऑफ वाटर 500 ग्राम सीमेंट में आप डालते हो तो एक सीमेंट पेस्ट बनता है, ठीक है, ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। और इस पेस्ट को आप क्या करोगे, इट शैल बी गेज्ड एंड फिल्ड इन टू विकार्ट मोल्ड। एक विकार्ट मोल्ड होता है, ठीक है, विकार्ट मोल्ड बोलते हैं उसको, वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, अगेन उसमें इसको फिल किया जाता है उस पेस्ट को, ठीक है, इन अ स्पेसिफाइड मैनर विद इन 2-3 to 5 minutes के अंदर अंदर इसको करना होता है। टेम्परेचर जो होता है इसका, अगेन 27 to 2 degrees Celsius रूम टेम्परेचर में इसको परफॉर्म करना होता है। यूज विकार्ट अपरेटस बाय सर्कुलर अटैचमेंट। उसमें दो तरीके के अटैचमेंट होते हैं विकार्ट अपरेटस में, एक होता है सर्कुलर और एक निडल के फॉर्म में होता है, ठीक है, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो विकार्ट अपरेटस बाय सर्कुलर अटैचमेंट फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। तो ऊपर से उसको ड्रॉप किया जाता है सीमेंट पे, ठीक है, उससे आपको फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल सेटिंग टाइम उस पर इंप्रेशन पड़ता है बेसिकली नीचे, जैसे कोई भी ऊपर से कोई सर्कुलर अटैचमेंट होता है वो नीचे गिरेगा पेस्ट पे तो इंप्रेशन छोड़ेगा, ठीक है, और कुछ टाइम बाद जब वो सेट हो जाएगा तो वो इंप्रेशन नहीं छोड़ेगा। तो आपने देखा होगा ना कि आप सीमेंट के ऊपर पाँव रख दो गीले पेस्ट के ऊपर तो उसमें कोई ना कोई इंप्रेशन आ जाएगा, लेकिन अगर वो सूखा होगा, हार्ड हो गया होगा तो उसमें नहीं आएगा। तो इस तरीके से इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम निकाला जाता है, ठीक है। अगेन इस टेस्ट को फिर से हम लोग कैसे प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया जाता है वो चेक करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट इज योर
फील्ड टेस्ट फॉर सीमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ सिविल इंजीनियर आप लोगों को। तो बेसिकली ये तो लैब के टेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें जो ऊपर हमने टेस्ट की वो सब लैब में टेस्ट होकर आती हैं। बट अगर आप सिविल इंजीनियर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो तो आप फील्ड पे खड़े हो, ठीक है, आपका सीमेंट का कट्टा आएगा, बैग आएगा, एंड यू हैव टू जज इफ द सीमेंट इज फाइन और नॉट, ठीक है, इफ इट इज ऑफ अ गुड क्वालिटी और नॉट। तो उसके लिए आप कैसे करोगे, पहले तो आप कलर से जज करोगे, ठीक है, इट शुड बी ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश ग्रे कलर, यूनिफॉर्मली ग्रीनिश ग्रे कलर का होना चाहिए सीमेंट, ठीक है। दूसरा टेस्ट क्या कर सकते हो आप, इट शुड फील स्मूथ व्हेन रब्ड इन बिटवीन फिंगर्स। तो आप फिंगर्स के बीच में रखो और उसको रब करो, इट शुड फील स्मूथ, उसमें कोई भी मतलब क्लिंकर्स टाइप के नहीं होने चाहिए, ठीक है, मतलब कि मोटे पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए, फाइन पार्टिकल्स होने चाहिए बिल्कुल। तीसरा टेस्ट क्या कर सकते हो आप, वेन हैंड इज थर्स्टेड इन टू अ बैग ऑफ सीमेंट इट शुड फील कूल एंड नॉट वार्म। तो आपको एक टेस्ट ये भी है कि आप क्या करोगे, सीमेंट का बैग लेना, उसके अंदर आप सीधे अपना हाथ डाल देना, ठीक है, आपको उसको कूल फीलिंग आनी चाहिए, यू शुड नॉट फील वार्म, ठीक है। तो सीमेंट क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट देगा आपके हाथ में, ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा कि गुड क्वालिटी का सीमेंट है कि नहीं है, ये भी एक टेस्ट है। नेक्स्ट टेस्ट आप ये कर सकते हो कि आप हैंडफुल ऑफ सीमेंट लो, उसको बकेट में डाल दो, ठीक है, बकेट में डालो, इट शुड फ्लोट, ठीक है, इफ इट इज अ गुड क्वालिटी, अगर उसकी अच्छी क्वालिटी होगी तो पानी में फ्लोट करेगा, और अगर वो सिंक कर गया, नीचे बैठ गया, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज है, ठीक है। तो इस तरीके का टेस्ट भी आप परफॉर्म कर सकते हो, सिंपली पानी की बकेट में आपको सीमेंट डालना है, अगर फ्लोट कर रहा है तो अच्छी क्वालिटी का है, और अगर नीचे जाके बैठ गया, सिंक कर गया, तो वो उसमें कुछ इंप्योरिटीज है, आप पता लगा सकते हो। और लास्ट इज एनी लंप फाउंड इन द सीमेंट बैग शुड बी पाउडर्ड, ठीक है, बिटवीन द थंब एंड द फोर फिंगर, मतलब कोई भी लंप, लंप किसकी वजह से आता है, अगर मान लीजिए सीमेंट के बैग में अगर थोड़ा सा मॉइस्चर चला गया तो उसमें उसके लंप्स बनने लगेंगे, ठीक है, तो लंप्स नहीं होने चाहिए, ये चीज़ को पता, ठीक है, और अगर है तो उसको आप क्रश करना पड़ेगा, उसको पाउडर फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये सारे टेस्ट हैं जो आप एज अ सिविल इंजीनियर फील्ड में करते हो, ऊपर वाले तो सारे लैब के टेस्ट हैं, जो पहले से लैब टेस्टिंग होकर आता है, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो जब भी आप सीमेंट में पानी डालते हो तो एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट और सिंपली सीमेंट हाइड्रेशन। दिस रिएक्शन इवॉल्व हीट और उसके उससे हीट इवॉल्व भी होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। जैसे आप सीमेंट में वाटर को ऐड करोगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, इसमें हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपका सेटिंग एंड हार्डिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग और हार्डिंग क्या होता है, सेटिंग बेसिकली क्या है, इट इज अ फिनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द प्लास्टिक सीमेंट चेंजेस इनटू अ सॉलिड मास एंड इज नोन एज सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो ये हल्के से सॉलिड मास में चेंज हो जाता है, जब सीमेंट होता है वो पाउडर फॉर्म में रहेगा, ठीक है, वो सॉलिड मास में चेंज होगा तो उसको सेटिंग ऑफ सीमेंट बोलेंगे। और हार्डनिंग किसे बोलेंगे, कि द फिनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द सीमेंट पेस्ट, जो ये पेस्ट बना है, जो बेसिकली व्हिच इज फाइनली सेट होने के बाद उसमें अपनी फुल स्ट्रेंथ आ जाती है, उसको बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है, जब वो बहुत हार्ड हो जाता है उसके बाद उसको बोलते हैं हार्डनिंग सीमेंट। तो क्या होगा, पहले आप सेटिंग करोगे, सेटिंग के बाद कुछ टाइम बाद उसमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ आ जाएगी, उसको बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट। तो ये टर्म है सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है। यहाँ पर आप बताया, देखिए जैसे मैंने बताया इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स और क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, पोजोलोनिक मटीरियल, ठीक है, पोजोलोनिक मैंने बताया था आपको क्या था, पोजोलोना जहाँ पर भी आएगा दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू योर वॉल्केनिक इरप्शंस एंड वॉल्केनिक ऐश, ठीक है। तो ये मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है इंडस्ट्री के थ्रू, ठीक है, इसमें इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी लो हीट ऑफ हाइड्रेशन रहती है, थर्मल श्रिंकेज, ठीक है, इंक्रीजेज द वाटर टाइटनेस, रिड्यूसेज द एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन एंड इट इम्प्रूव्स वर्केबिलिटी एंड इट इज ऑफ लोअर कॉस्ट, ठीक है। तो ये सारा इसलिए पोजोलोना, जो पीपीसी हम लोग सीमेंट में यूज कर रहे थे ना, तो पोजोलोना हम इसलिए ऐड कर रहे थे क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, ठीक है। पोजोलोना मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज है, हीट ऑफ हाइड्रेशन है, थर्मल श्रिंकेज कम होगा इसमें, ठीक है, और वाटर वाटर टाइटनेस ज्यादा रहती है इसकी, ठीक है, और क्या रहेगा इसमें, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन भी रहता है, उसको भी रिड्यूस कर देता है, इट इम्प्रूव द वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी मतलब ज्यादा वर्केबल हो जाएगा, ईज ऑफ हैंडलिंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी इसमें, ठीक है, पोजोलोना मिलाने से। और आप पूछोगे कि सर ये पोजोलोना मिलेगा कहाँ से, तो मैंने जैसा आपको बताया नेचुरल पोजोलोना अवेलेबल होते हैं, क्ले और शेल्स की फॉर्म में मिल जाएगा आपको, ठीक है, और आपको ये डायटोमेसियस ये भी एक तरीके का रॉक है, ये इसमें आपको पोजोलोना मिल जाता है। लास्ट आपका है वॉल्केनिक टर्फ,
ये एक तरीके का वॉल्केनिक स्टोन है, बेसिकली रॉक है, रॉक टफ, और प्यूमिसाइट्स, PUMICITs, प्यूमिसिटीज। तो ये दोनों क्या है, ये वॉल्केनिक रॉक है ये दोनों, ठीक है। इसके थ्रू भी आपको पोजोलाना मिल जाता है, तो आप इनको कलेक्ट करोगे और उसको इससे सीमेंट प्रोड्यूस भी कर सकते हो। तो वो पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट कहलाता है, पीपीसी। ये तो नेचुरल फॉर्म में मिलेंगे, आर्टिफिशियली आपको कैसे मिल सकता है, फ्लाई ऐश के थ्रू मिल सकता है, ठीक है। फ्लाई ऐश अपनी इंडस्ट्री में आराम से मिल जाती है। राइस हस्क जो जो फू ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होती है, वहां से आपको राइस हस्क मिल जाता है, ऐश मिल जाती है उसकी, ठीक है। ग्राउंडेड ब्लास्ट फर्नेस, लाइक ब्लास्ट फर्नेस इज योर जहाँ पर आपकी हीटिंग वगैरह की जाती है, इसमें ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। उसका स्लैग जो होता है उससे भी आप पोजोलाना मिल जाता है आपको, मेटाकोड लाइन, सिलिका फ्यूम, सुर्खी। तो ये सारी चीजें जो है आर्टिफिशियल पोजोलाना है, जहाँ से आपको पोजोलाना मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली सारे के सारे सीमेंट के कंपोजिशन, ये सीमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो सीमेंट में हम लोगों ने काफी सारी प्रॉपर्टीज देखी, सीमेंट की टेस्ट देखे, ठीक है। और बेसिकली पोजोलाना के बारे में मैंने आपको बताया, जो पीपीसी सीमेंट होगा उसमें क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी रहेंगी, कैसे इसको ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर इस वाली यूनिट में, इस टॉपिक में हम लोगों को जो अब नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है, वो है सारे के सारे सीमेंट जो है, ठीक है, उनका क्या प्रोसीजर रहेगा। ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो टेस्ट किस लिए करते हैं, क्या होता है वो चीज़ है, बट उनको टेस्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है, दैट आई विल शो यू वाया द वीडियोज एंड एंड द डायग्राम्स ऑल्सो, ठीक है। तो वो अलग से मैं उसकी स्लाइड्स आप लोगों को बना के दूंगा, ठीक है। उसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, प्रोबेबली इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ सीमेंट हम लोग उसमें कवर करेंगे। तो ये बेसिकली आपका सीमेंट से रिलेटेड सारा कुछ इंफॉर्मेशन है। ये बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन तो नहीं है, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको नोट्स के थ्रू अवेलेबल कराया है, बाकी आपको मैं मटेरियल वगैरह भी मैं इसमें प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। सो आज के लिए इतने रखते हैं, आई जस्ट क्लोज माई स्क्रीन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेस्ट ऑफ ऑन सीमेंट पढ़ेंगे, फिर हमारे एग्रीगेट वगैरह भी है, देन वील कवर इट आफ्टरवर्ड्स। ओके, सो आज के सेशन में कोई डाउट है, कोई किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं? सिर्फ फ्लाई ऐश क्या होता है, बनता कैसे? फ्लाई ऐश जो है आपका इंडस्ट्री में, देखिए जैसे आप बर्निंग वगैरह करते हैं ना, तो उसके बाद ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बर्निंग के जो ऐश, ऐश तो समझते हो ना आप, है ना, तो वही है, फ्लाई ऐश भी वही चीज है। आप देखोगे, मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी कि आजकल आप देख रहे हो कि जो ब्रिक्स की जगह पे हम लोग कंक्रीट के ब्लॉक यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स भी हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल, है ना। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली ये सीमेंट की प्रॉपर्टी, जो सीमेंट वाला मटेरियल है, ये थोड़ा महंगा मटेरियल है, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं फ्लाई ऐश के साथ, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टी पाई गई है कि वो अच्छी खासी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है। तो फ्लाई ऐश जो है आपको इंडस्ट्री से मिल जाता है बेसिकली। तो ये ऐश है जो बर्निंग के बाद आपको ऐश मिलता है ना नीचे, वो भी आप अब इसको यूटिलाइज किया जा रहा है। सो आज के डेट में कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता, ठीक है। इंडस्ट्री से आप ये ऐश खरीद सकते हो और इसका आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो फ्लाई ऐश का, ठीक है। और इसको आप सीमेंट बनाने में भी यूज कर सकते हो, इवन जो कंक्रीट के ब्लॉक्स है उसमें भी फ्लाई ऐश ब्लॉक्स बोला जाता है, उसको भी आप लोग यूज कर सकते हो, फ्लाई ऐश उसमें ऐड करके, ठीक है। तो इस पे मैं आपको और कंटेंट दे दूंगा फ्लाई ऐश का, ठीक है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे फ्लाई ऐश की प्रॉपर्टीज आपको कैसे फ्लाई ऐश डालने से प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, फ्लाई ऐश काफी आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक भी है और काफी टाइम से यूज में भी है, इसकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी आ जाती है, ठीक है। तो क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, किसी चीज में यूज़ ऐड कर रहे हैं, उसका रीयूज कर रहे हैं, ठीक है। और अच्छी बात ये कि इसकी स्ट्रेंथ भी मिल रही है हमें, जब हम ब्रिक्स यूज करते हैं ना आजकल, आप देखोगे जनरली लोग ब्रिक्स नहीं यूज कर रहे हैं, वही फ्लाई ऐश के ब्लॉक्स वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसकी काफी अच्छी प्रॉपर्टीज है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि इसमें मैं आपको और मटेरियल प्रोवाइड करूँ, ताकि आपकी और बेसिक नॉलेज अच्छी हो जाए फ्लाई ऐश ब्रिक्स के बारे में, या फिर फ्लाई ऐश का जो सीमेंट में यूज है वो क्या चीज है, ठीक है। फ्लाई ऐश जो आपको इंडस्ट्री वगैरह से आपको आराम से अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? सर, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग वीडियो को रिव्यू कीजिए इसका, बाकी तो एक बार ये होगा कि मैं आपको टेस्ट कल अच्छे से परफॉर्म करके बताऊंगा, आई मीन वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है।
ये सब आपको पता लग जाएगा। उसके बाद मे भी कोई क्वेरी हो तो हम लोग इस सीमेंट वाले पोर्शन में उसको अगली क्लास में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस टेस्ट ऑन सीमेंट। मैं आपको कुछ वीडियोस भेजूंगा भी और कुछ एक्सप्लेन भी यहाँ पर करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो प्रोबेबली एक या दो क्लास हम लोग और इसमें यूज करेंगे सीमेंट में, देन विल मूव टू एग्रीगेट्स। ठीक है, तो इतना रखते हैं आज के लिए। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a good day.